आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्लाजो पैंट के लिए एक सिंपल सा और आसान सा डिज़ाइन। तो इसके लिए हमने ये पेपर पेस्टिंग ले लिया, जिसका हमने मेजरमेंट ले लिया है 8 इंचेस पे, और इसकी जो चौड़ाई थी वो थी 4 इंचेस पे। हम इसको बराबर कट कर लेंगे और इस पे हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए हमने एक तिरछी लाइन खींच लिया और उसके ऊपर हम इस तरीके से हाफ सर्कल बना लेंगे। और अगर सर्कल अच्छे से नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, हम दूसरा एक लाइन बना के और उस पे एक ऐसे लाइन बना लेंगे, और फिर उसके बाद हम एक बराबर से एक सर्कल बना के तैयार कर लेंगे और उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो हमारी जो पेपर पेस्टिंग की जो कटिंग है वो इस तरीके से आएगी, और हम इसे अब गर्म आयरन से कपड़े पे इसको अच्छे से चिपका लेंगे। दोनों ही पेपर पेस्टिंग को चिपकाने के बाद अब हम इसे कट करेंगे, और इसके जो साइड का जो कपड़ा है उसे हम अच्छे से कट करके और इसे मार्क लगा लेंगे, ताकि जब भी हम इसे कपड़े के साथ फोल्ड करें तो अच्छे से हम इसे फोल्ड कर सकें। तो इस तरीके से हमने इस पर मार्क लगा लिया। अब हम बनाएंगे पोटली बटन। पोटली बटन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ बचे हुए कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके इसके मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। इसके बाद जो भी मेरे पास छोटे छोटे जो कतरन बचे थे उसको मैंने कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, ताकि मैं उसको बीच में भर के बना सकूँ। तो इस तरीके से मैंने एक स्क्वायर शेप का कपड़ा लिया है और बाकी सारे इसमें जो भर के जो भी कतरन थे उसको मैंने भर दिया, और इस तरीके से फोल्ड करके धागे की हेल्प से मैं इसे बांध लूँगी। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से बन के तैयार हो गया हमारा पोटली बटन। तो इस तरीके से मैंने और भी बटन्स बना के तैयार कर लिए। तो अब हमने ये अपने प्लाजो पैंट्स ले लिया है। प्लाजो पैंट्स पे हम जो डिज़ाइन हमने जो बनाया था वो हम रखेंगे और देख लेंगे एक बार कि हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले तो ऊपर की तरफ इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है, और नीचे की तरफ से इस तरीके से सिलाई लगानी है, और जो भी हमारे जो पोटली बटन्स है उसको भी हमें इस तरीके से कॉर्नर कॉर्नर पे रखना है। अगर आप चाहें तो आप मशीन से भी लगा सकते हैं या हाथ से भी लगा सकते हैं। पेपर पेस्टिंग को रख के अब हम सिल लेंगे, और सिलने के लिए हम सबसे पहले जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको सिल लेंगे एक लूज स्टिच में, फिर उसके बाद नीचे से हम सब कुछ सिल के फोल्ड कर लेंगे। जो ऊपर का स्टिच रहेगा वो हम बाद में रिमूव कर लेंगे, ये हीले डुले ना, इसलिए हम ऊपर पहले सिलाई कर लेंगे। सिलने के बाद हम ऊपर से रिमूव कर लेंगे। इधर हमने फोल्ड कर लिया है और प्रेस लगा लिया है और इसकी फिटिंग भी लगा दी है। तो इस तरह से कुछ बन के ये आया हुआ है। अब इसमें जो है बेल्ट बनाना है, तो बेल्ट के लिए हमें इस तरीके से पहला फोल्ड और फिर 1 इंच पे हमें फोल्ड करके फुली स्टिच कर लेना है, फिर आप इसमें इलास्टिक डाल सकते हैं। इधर हमने पोटली बटन भी हाथ से लगा के तैयार कर लिया है। तो ये हमारा पैंट कुछ इस तरह से बन के रेडी हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।